आजादी के अमृत महोत्सव और हिमाचल प्रदेश की गोल्डन जुबली कार्यक्रम के तहत आईटीआई मंडी में एक दिवसीय राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों की आईटीआई के 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ आईटीआई मंडी के प्राचार्य शिवेंद्र डोगर ने किया। इस अवसर पर आईटीआई प्राचार्य शिवेंद्र डोगर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज मंडी जिला में राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें हिमाचल के 9 जिलों की आईटीआई ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रतियोगिता में टीम प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहेगी, उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश की आईटीआई संस्थानों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसमें पेंटिंग, रंगोली, क्विज कंपटीशन आदि प्रतियोगिताएं शामिल है। उन्होंने कहा कि जो भी इन प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागी रहेंगे, उन्हें शिमला में एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। आज हम आईटीआई मंडी में आजादी के अमृत महोत्सव तथा हिमाचल प्रदेश की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य पर स्टेट लेवल का क्विज कंपटीशन हम आयोजित कर रहे हैं। इस स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन में पूरे प्रदेश से जो है 9 जिलों से टीम्स आई हुई हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू को छोड़कर बाकी सभी 9 जिलों से हमारे यहाँ टीम्स आई हैं और हर टीम में जो है आईटीआई के 2 ट्रेनी जो हैं वो भाग ले रहे हैं। इनके साथ जो हैं इनके कुछ स्टाफ मेंबर्स भी इन आए हैं और हमारे पास कुल जो हैं 18 पार्टिसिपेंट्स इस समय इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। आज ये क्विज कंपटीशन जब समाप्त होगा तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जो है वो प्राइजेस दिए जाएंगे और बाद में जो है इन हमारे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न आईटीआईज में अलग अलग प्रतियोगिताएं इस समय चल रही हैं स्टेट लेवल की, जैसे कि पेंटिंग कंपटीशन है, पोइट्री राइटिंग है, फिर अपना वर्किंग प्रोजेक्ट का ऊपर कंपटीशन है, तो ऐसे ऐसे कंपटीशन चल रहे हैं। तो बाद में जो भी ये स्टेट लेवल में फर्स्ट आएंगे इनको स्टेट डायरेक्टेड में फिर शायद एक बड़ा फंक्शन किया जाएगा, वहाँ भी इनको सम्मानित किया जाएगा जो बच्चे स्टेट में फर्स्ट आएंगे। मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।